अस्पताल में रिसर्च करके बाद डोनेशन पे डिपेंड है। अब हम डोनेशन लेते हैं तो 30 से 40 हज़ार रुपये देंगे। अच्छा, पंच का भी नहीं है तो हाँ सर, बिल्कुल सर। बेसिकली ये एक छोटा रूप है सर, इसमें सेकेंडरी मेरा भी पता है और इसी में हमने अब तक 16 देशों 16 राज्यों की 64 जिलों को लाभान्वित किया। विदेशी भी आते हैं सर, लगभग थेरेपी होती है सर पंचकर्म। वैसे के लिए कितना टाइम लेता है इंडिविजुअली? इंडिविजुअल का 45 मिनट से 1.5 घंटा पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। 4 मिनट से 4 मिनट का एक बार उपलब्धता सर 100% नहीं है, मतलब 1 बजे से 1 लाख का बजट है जो मेडिसिन आ गई आगे जब तक है। वैसे नहीं है कि हमेशा इस टाइम है तो आदेश है कुछ नहीं, कोई निशुल्क दवाई देनी है या क्या रहता है या छूट देनी है? निशुल्क दवा जाती है, चिरंजीव योजना भी लागू नहीं आई उसमें, वो ना लागू नहीं है। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट देखने के महिलाओं की जब छुट्टी करते हैं विशेष तौर पर ना डॉक्टर पाटिल जी बताएंगे क्या क्या करते हैं। आयुर्वेदिक एडमिट होते फर्क क्या है जैसे आयरन की सप्लाई देती है? हाँ जी जी। एलोपैथिक दवाई से हमारी दवाई में जैसे मतलब आयुर्वेदिक नेचुरल सोर्सेस से ली गई मेडिकल नेचुरल सोर्सेस से तो साल की आपको नहीं साइड इफेक्ट नहीं है। और सर नवाचार किया था सर आज से 4 साल पहले 16 साल तक के बच्चों शास्त्रों में क्लास से चल रहे हैं तो साउथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था स्वर्ण पराशर। बच्चों को एक ड्रॉप देते हैं मंथली, उसको इतनी पॉपुलरिटी रही कि विभाग ने अडॉप्ट कर लिया। 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को 34 जिलों में स्टडी की जा रही है सर, और 5 साल तक के सभी बच्चों को पूरे राजस्थान में देने के लिए एक कमेटी बन गई है सर। तो पहले स्टडी की जा रही है 34 जिलों में क्या सर पे 200 बच्चों को लेकर साल भर के क्या आउटकम्स रहेंगे उतनी स्थायी व्यवस्था नहीं है काम चलाओगे तो सर ये हुआ। अच्छा, इसी के लिए आप ये आपसे पूछना चाह रहे हैं नहीं सर, ये तो हॉस्पिटल वो एक्सेलेंस आप सब वहाँ जाओ सर। योगा वाला भी 2-4 FS आज निकले थे, FS में थोड़ा बुधवार से सर इन्होंने लगातार सेवन किया स्वर्ण प्राशन का। अच्छा, बताइए विकास क्वेश्चन। नक्षत्र में एक नक्षत्र होता है उस पर देने पे विशेष प्रभाव पड़ता है। अवले ड्रिंक का भी इशू होना था 20 रुपये रोज की चीज एक जने को नहीं दी जा सकती थी। क्या क्या समस्या थी और क्या क्या अंतर है? डाउन सिंड्रोम का ठीक है, क्या परिवर्तन था इसको क्या क्या किस चीज़ में एडवांस उपकरण मंगाए गए हैं तो सर बहुत क्रिटिकल एज में पेशेंट है, सबसे जान लेते हैं किसी से भी ये जैसे आप बता दें क्या समस्या है। छल में दस्त अभी S1 कितने समय से तक होता तक कोई है? अच्छा, ये यार भी मिल रहा है बहुत मतलब इस थेरेपी का होता है चार ये थेरेपी क्या क्या किया जैसे एक ही मशीन है सर G5 है सर, सबका अलग अलग है सर। आई एडवांस 16 उपकरण है सर ये। ओके, जैसे सर कल ही आए क्वेश्चंस क्योंकि आयुर्वेद के प्रति भ्रांति है सर, आयुर्वेद बीमार सर करती है उस भ्रांति को हम रोज तोड़ रहे हैं।
आपसे जानते रिटायर्ड, बताइए अपना परिचय देते हुए। कल से मेरे कल पहली बार है सर, पहले सिंगल इशू क्या है, जैसे इशू मैंने क्या कराया है और मैं क्या इशू में रहेगी कमर हर दो चार महीने में हो जाता है अच्छी चीजें नवा जा रहे राजस्थान में केवल सरकारी क्षेत्र में हमारे पास भी तो सर हम DNFT से 5 लाख के लिए मशीनों के लिए भी अनुशंसित कर रहे हैं। वहाँ रह के ही 20 दिन से पीछे सुदाम भेज दिया, फिर सुदाम डायमा सर में सर्जरी करवाई, फिर सर्जरी करवा के फिर आराम में है, फिर पीछा घाव हो गया पाँव में, इतना घाव है, 2 सर्जरी हो चुकी है, घाव बता सकते हैं पट्टी बंद। आपने क्या ट्रीटमेंट किया जैसे सर बताइए आप? मेरा ट्रीटमेंट ही है, मेरे टॉयलेट मतलब कपड़ों में कर दिया, अभी 3 महीने से आ रहे हो, 5 दिन की थेरेपी के बाद आपने जैसे क्या मशीनों से बिल्कुल चल नहीं सकते और ओरल मेडिकेशन दे रहे हैं, कितना आराम है आप ये बता दो? मेरा 75% आराम है, मूवमेंट और ऑक्सीजन होती है सर, केवल 5 विजिट हुई किया इनसे आती है सबसे बड़ी समस्या, यहां तालेड़ा के आगे से तालेड़ा से यहां सर 50-50 पेशेंट बूढ़ी मुख्यालय से बाहर के 8 फीट के रोड पे, रोड देखिए क्या बस 8 फीट के रोड पे निशुल्क दवाई मिल रही है, क्या है क्या कहना चाहेंगे जो प्राचीन पद्धति है बेसिकली? वैद्य साहब ने काफ़ी बताया था कि यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट और इवन मेडिकल टूरिज्म के पर्पज़ से काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ एक अपना प्रस्ताव भी विचाराधीन चल रहा है कि राज्य सरकार के स्तर से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगभग 40-50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो जैसे जयपुर और शायद जोधपुर बनाए गए नेक्स्ट जगह का चयन किया जाना है, उसके पर्पज़ से एक बार जानने के लिए कि क्या क्या गतिविधियाँ हैं, कितना इसका इसको उसके हिसाब से विजिट किया है, और प्रस्ताव भी सिलोर में 92 बीघा ज़मीन भी आवंटित हो रखी है, एक अलग से गांधीग्राम एरिया में और 5 बीघा ज़मीन आवंटित है, तो उसमें हम विकास इसको और डेवलप करने के हिसाब से। सर प्राचीन पद्धति को लेकर आपने मरीजों से भी बात की है, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए भी एक बार नई चीज़ है, बेसिकली मरीजों से बातचीत में ये निकल रहा है कि उन्होंने एलोपैथिक भी ट्रीटमेंट कराया, आयुर्वेद में उन्हें ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, कुछ का ट्रीटमेंट एलोपैथिक में नहीं है, उनका ट्रीटमेंट अब आयुर्वेदिक करा रहे हैं, तो लोग जो पेशेंट है उनका रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव है इसको लेकर, तो यही जानकारी के लिए। तो क्या आगे बढ़ेगा बूंदी में आयुर्वेद? नहीं बिल्कुल, इसमें उसी पर्पज़ से है, तो ये यही फीडबैक में आगे देना क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट में आगे आयुर्वेदिक के हिसाब से बढ़ाने के हिसाब से। नवल सागर का भी निरीक्षण किया? नवल सागर में जो भी RUIDP की तरफ से 17 करोड़ का सेंक्शन है जिसका टेंडर जारी कर रखा है, तो उसमें एक मेजर जो इशू आता है ड्रेन का पानी का, और बाकी क्या विकास कार्य लिए जाने उसके निरीक्षण। आयुर्वेद के एक संशोधन की एक विधा है जिसमें जटिल और कसाध्य व्याधियों का उपचार किया जाता है रोग उत्पादक तत्वों को शरीर से बाहर निकालकर, केरल में इससे अपना नाम कमाया है और बूंदी में पिछले 4 सालों से लगातार काम किया जा रहा है आरोग्य समिति भामाशाह के सहयोग से, अब तक 16 राज्यों के 64 जिलों के 61,000 से अधिक रोगियों का उपचार कर चुके हैं और मेडिकल ट्रस्ट के तहत 26 देशों के 283 से अधिक विदेशी रोगी भी यहाँ आकर लाभ ले चुके हैं। हाँ कलेक्टर साहब ने भी विजिट किए, तो हमारे 2 ड्रीम प्रोजेक्ट इसमें चल रहे हैं उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली, और जो उत्तर भारत में पहला केरल की तर्ज पर जो 52 करोड़ के प्रस्ताव 2022 में जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा भेजे गए हैं निदेशालय के द्वारा राज्य सरकार को, जो केंद्र सरकार से अनुमोदित होने हैं, तो अगर वो हो जाते हैं तो पंचकर्म उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में बन पाएगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा केरल की तर्ज पर, जिससे स्थानीय लोगों को तो व्यापक जमीन चिन्हित की ली गई है, सिलोर में 93 बीघा जमीन आवंटित हेतु सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिए गए हैं और वो मंजूर होता है तो यहाँ मेडिकल टूरिज्म बड़े पैमाने पर बढ़ेगा बूंदी में, जिससे रोगियों को भी काफ़ी राहत मिलेगी।